कौन सा आपको खाना दिया जाए तो कब आए आप? बालकनी से। बच्चों उठ जाओ, 10 o'clock हो गए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम व बारिक अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू नौश किचन रूटीन। तो ये 10 बजे का टाइम था और थर्सडे था। बच्चे घर पे क्यों थे? छुट्टी करके बैठे हुए थे क्योंकि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग थी और जिस दिन मीटिंग होती है बच्चों को स्कूल से ऑफ होता है, तो ये एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई थी। बच्चे बहुत खुश थे, तो बच्चे तो फ्रेश होकर अपना खेलने वगैरह पर लग जाएंगे। थोड़ा तो हम ही खेलेगा, उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा स्टडी भी करना होगा, लेकिन मिशी का तो नॉन स्टॉप जो है ना वो खेलने का दिन ही गुजरेगा। मैं भी फ्रेश हो चुकी हुई थी और उसके बाद बेड वगैरह सेट कर लूँ क्योंकि मेरा तो ये होता है ना, बच्चों को मैं छुट्टी वाले दिन ना कैजुअल रहने देती हूँ। वो अपने पीजेस में फिरना चाहते हैं, मैं फिरने देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। मेरा ये होता है कि मैं चूंकि होती ही घर पे हूँ, तो मैंने अपनी एक आदत बना ली हुई है कि मैंने डेली जो है ना चेंज करना होता है, फ्रेश होना ही होता है, अदरवाइज घर पर रह रह के सुस्ती हो जाती है। तो आप लोग हमेशा पूछते हैं एक्टिव कैसे रहती हूँ, तो आई थिंक इस चीज़ का बड़ा रोल होता है। जरूरी नहीं कि आप मेकअप करके फाउंडेशन लगा के घर में फिरें, बीच में कभी कभी वो भी मेरा दिल करता है तो मैं करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि बस चेंज कर लिया, फ्रेश हो गए, एक लगा लिया आपने सन ब्लॉक और लिप ग्लॉस और बस आप रेडी हो गए फॉर द डे। बस कपड़े चेंज कर लेना तो आप अच्छा अच्छा सा फील करते हैं, शावर ले लें, फ्रेश हो जाएं। उसके बाद मैं किचन में आ गई और बच्चों की छुट्टी और बच्चे फ्रेंच टोस्ट ना खाएं ये हो नहीं सकता है, बड़ी फरमाइश से उन्होंने बनवाया था। और ये दूध मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ, कल आपने वीडियो में देखा था ना मिशारी ने कपकेक डंक करके खाया था दूध में, तो दूध उसने छोड़ दिया था, बस एक कपकेक छोटा सा खाया था, तो वो दूध मैंने रख लिया था, सोचा था कि इसको यूज़ कर लूँगी और वो यूज़ हो गया फ्रेंच टोस्ट में हाफ़, और बाकी का हाफ़ मैं अपने ओट्स में डाल लूँगी। ब्रेड भी मेरे पास थोड़ी सी पड़ी हुई थी, वैसे मुझे मंगवानी तो है क्योंकि मैंने जो कबाब बनाने हैं उसमें ब्रेड को मैंने उसके क्रम्स करके डालने हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं पता था कितनी ब्रेड चाहिए हो या अभी मैं बनाती हूँ कबाब या नहीं, तो मैं और नहीं ब्रेड मंगवाना चाहती थी। मैंने क्या किया कि किनारे की ब्रेड है ना इसकी सारी क्रस्ट इस तरह से मैंने स्क्रेप कर दिया नाइफ़ की हेल्प से, क्योंकि बच्चे ना ये पहला और आखिरी वाला ब्रेड का स्लाइस अवॉइड करते हैं, मैं भी छोटी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो इस तरह कर लेने से ना फ्रेंच टोस्ट बन जाता है, वो ब्राउन सा हो जाता है ज़ाहिर है ऊपर से, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि क्या हरकत हुई। इसको मैं सेव कर लूंगी और आखिरी वाला जो दूसरी ब्रेड थी ना स्लाइस ये भी सेव कर लूंगी, तो मैं इसको डाल लूंगी कबाबों में ना क्रम्स बना के। जब किचन में आ जाए ना तो दिमाग यहाँ वहाँ घूमता रहता है, सोचें आती रहती हैं, ये भी करना है वो भी करना है। तो अभी मैं जब तक फ्रेंच टोस्ट बना रही थी मैंने सोचा कि जो आइटम्स डिफ्रॉस्ट करने हैं वो निकाल देती हूँ, तो कीमे निकाल दिए मैंने 2 किलो कीमा, और साथ में मैंने चिकन भी ऑलरेडी निकाला हुआ था, उसको डिफ्रॉस्ट होने रखा हुआ था, उसको मैंने खुद कीमा बना के, क्योंकि उसके लिए मुझे कीमा बनाने की ज़रूरत है, तो वो मैं आपसे इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगी जब वो एक दिन तक वीडियो इंशाल्लाह आएगी आपके पास। तो ये तिहामी ने अपना डिज़ाइन बनाया चॉकलेट सिरप से और मिशी को चाहिए होती है हनी, तो बस मिशी को साथ में पीसेस भी कर दूंगी तो वो उसके लिए इजी हो जाता है, मज़े से खा लेता है, मेरा छोटा सा लाडू है वो अभी तक। तो बस बच्चे अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे और मैं जब तक बच्चे नाश्ता करेंगे मैं भी अपने ओट्स वगैरह बना लूँगी, और ये जो जब तक ओट्स हो रहे होंगे माइक्रोवेव में तब तक ये बर्तन से मेट लूँगी। तो मतलब एक रूटीन होती है आपकी किचन की कि आपने ये करना है वो करना है और काम सारे टाइम पर निपटा लिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। वेदर चेंज हो रहा है तो सिनेमन डालने का भी मज़ा आएगा, सो थोड़ी सी सिनेमन डाल दूंगी इसके ऊपर, और योग्स आजकल दिल नहीं करता मेरा, हालांकि इतनी अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए। बहरहाल मैं अपना ब्रेकफास्ट करके आपसे अब मिलूंगी शाम में, बच्चे जा रहे हैं थोड़ा सा राउंड लगाने के लिए नीचे ऐसे ही फिरने के लिए, और अपने लिए कोई आइसक्रीम वगैरह ले आएंगे, और मैं आपसे मिलूंगी शाम में, मैं अपनी एडिटिंग कर लूँ ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल जाए। सुबह से शाम कैसे होगी पता ही नहीं चला, और यहाँ पर ये देखिए ये कौन आके बैठे हुए ये भी मुझे पता नहीं चला। कब आए आप? बालकनी से। आपको एलिवेटर नहीं मिला और आप उधर से स्पाइडरमैन बन के आए हैं? मैं हेलीपैड से उतर के आया हूँ नीचे। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मिशी ने आपका नाम चेंज किया मिशारी बिन शहजाद की बजाय मिशारी बिन गोल्ड। मैं शहजाद उर्फ गोल्ड हूँ मैं। मिशारी बिन गोल्ड। मिशू, व्हाट्स योर नेम? इली। ओके, व्हाट्स योर नेम मिशू? Michelle Bingo. Oh wow. What is Bingo? We're just cool like that.
सकते हामी। जाओ ना नीचे इसकी वो लेके आओ स्कूटी, जाओ जाओ मिशू को भी दिल्ली। मिशू की ना ये एज बड़ी प्यारी है, तो हामी भी इस एज में ऐसे ही करता था, बहाने कोई काम कह दें बच्चों के बहाने शुरू हो जाते हैं। मिशी कहेगा मेरे गले में दर्द हो रहा है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, मैंने नहीं जाना। बहरहाल उसे ज़बरदस्ती भेजा तो सेवन अप लेके आ गया जाने के लिए। अब इस सेवन अप की भी एक स्टोरी है, इसमें से गैस निकल चुकी है और ये फ्रिज में पड़ी होती है। मिशारी एक दो सिप लेके फिर से इसको फ्रिज में रख देता है, क्योंकि उसका शिकायत हमसे ये होती है कि आप मुझे अब ड्रिंक्स नहीं लेके देते। काफ़ी अर्सा ही हो गया, हम लोग ना सिर्फ वीकेंड पे ड्रिंक्स लेते हैं, और या फिर कोई स्पेशल जैसे कोई बिरयानी बना ली या कभी कोई कोरमा बनाया उसके साथ घर पे ड्रिंक आ जाएगा, या कोई मेहमान आएंगे, ये दो तीन टिपिकल ओकेजन्स होते हैं, उसके अलावा ड्रिंक्स होते ही नहीं है घर पे। तो वो जब एक दफ़ा ले लेना तो फिर वो उसको तब तक पीता रहता है जब तक उसका दिल होता है ना, मतलब बड़ा कंट्रोल करता है कि वो दो तीन सिप लेके फ्रिज में रख लेता है, वरना बच्चे तो ड्रिंक्स छोड़ देते हैं। मामा पापा तो चलो मैं देर तक इसे रखे रहूँ। तो बस अभी भी यही चल रहा था। खैर स्कूटी मैंने तिहामी को बोला था नीचे लेके आओ कार पार्किंग में से और इसको वॉश कर दो, क्योंकि अब मौसम अच्छा आ गया तो वॉक पे बाहर निकला करेंगे, तो मिशारी स्कूटी चला लिया करे। और तिहामी ने जो है वो टावल पे भी छींटे फेंक दी, शुक्र है मैंने ये देख लिया, तो एडिट करते हुए मैंने देखा, तो फिर मैंने इसको भी वॉश करने रख दिया। और तिहामी को जो छोटा है वो भी उसको यही समझ आई है कि बस फ्लोर जो है ना वो गंदा हुआ, तो फ्लोर पे उसने वाइपर लगा दिया। डिनर आज बच्चों के लिए बहुत मज़े का और बहुत स्पेशल बनेगा, क्योंकि कल मिशारी काफ़ी रोया था मसूर दाल की वजह से। तो हमें को तो पीते भी दिखा दो, करो 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 दाल की हाँ करो पसंद है, उसका कोई इशू नहीं था, बट जाहिर है वो भी एंजॉय करेगा। तो दूसरा मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आपको पिज्ज़ा सॉस जो क्विक वाली होती है ना उसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो मैंने सोचा मेरी पिज्ज़ा सॉस तो ख़त्म हो गई है तो चलें आज शेयर करते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और साथ में मैं केचप डाल रही हूँ, हाफ कप केचप ले रही हूँ। तो आपने एक चौथाई केचप लेनी है और एक चौथाई जो है ना चिली गार्लिक सॉस लेनी है अगर मज़ीद मज़ेदार फ्लेवर चाहिए, ठीक है। मेरे पास वो नहीं थी तो मैंने यही डाली है। और दूसरा मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, साथ में पानी डाला है, और इसके बाद इसमें जाएगा जी, इसको मिक्स कर लें आप, और साथ में आपने इसमें डाल देना है नमक और ओरेगानो डालना है। अच्छा चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। केचप इसमें तो सिर्फ केचप है ना, तो आपको पता है जब आप इसको बना लेंगे ना तो केचप का फ्लेवर फील होगा, ठीक है। तो ये बात जहन में रखनी है, ओरेगानो नमक काली मिर्च का पाउडर और साथ में चिली सॉस मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हमने अच्छे से पका लेना है ऐसे इतना सा कि दोबारा ना सॉस वाली इसकी कंसिस्टेंसी हो जाए, क्योंकि पानी डाला है ना तो ये अभी पतली है, तो इसको हमने थोड़ा सा थिक कर लेना उतनी देर तक अंदर जो ये मसाले वगैरह मतलब ओरेगानो डाला है ये थोड़ा सा पक भी जाएगा। तो बस ऐसे कह लें 3-4 मिनट हमने इसको बॉयल किया या मे बी 2-3 मिनट, तो बस उसके बाद मैंने इसको बोल में डाल दिया, तो ये सॉस हमारी रेडी हो गई। इसको मैं रूम टेम्परेचर पर आने दूँगी ब्रेड पर लगाने से पहले। ये देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है। बस आपने मज़ीद ऑथेंटिक बनानी है तो फिर आप इसमें चिली गार्लिक सॉस डालें। अच्छा चिकन की टॉपिंग जो है ना वो ये आप हमेशा यही वाली बना लिया करें, क्विक और ईजी और बड़े मज़े की बनती है। चिकन डाल दिए छोटे छोटे पीसेस जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ में ऑयल और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, दैट्स इट। इसको आप पका लें और बस ये छोटे छोटे चंक्स बन जाएंगे। पिज्ज़ा बनाना है आपने, पिज़्ज़ा कप्स बनाने हैं, कोई भी चिकन की टॉपिंग छोटी मोटी को बनानी है ना आपने, तो उसमें ये बेस्ट जाती है। नमक और काली मिर्च सादी भी डाल देंगे तो ठीक रहेगा, लेकिन जो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देते हैं ना उससे बड़ा अच्छा इन्हांस्ड किस्म का चिकन का फ्लेवर निकल के आता है। अच्छा ये स्लाइसेस मैंने अरेंज कर दिया और इसके ऊपर पिज्ज़ा सॉस लगा लूँगी। अच्छा ये जो पिज्ज़ा बनेगा ना ये इस तरह का होगा कि आपको प्लेट में रख के ना तो बच्चों को फॉर्क से ही खाना होगा, क्योंकि सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने नीचे से क्रिस्पी या क्रिस्पी तो नहीं रहेगा क्योंकि ब्रेड है, लेकिन आपने थोड़ा सा ऐसे ज़रा ऐसे स्टेबल रखना है ना, तो आप ब्रेड को दोनों साइड से पहले सेंक लें और फिर इसके ऊपर केचप ये पिज्ज़ा सॉस लगाएं, तो वो ज़रा टाइम कंज्यूमिंग था तो मैंने वो काम नहीं किया। वैसे ही आपको आइडिया दे दिया बैठे बैठे फ्री के आइडिया है ना, तो मैंने कहा मैं आपको दे देती हूँ। इसके ऊपर चिकन मैंने अच्छा खासा लगा दिया क्योंकि डिनर टाइम है, बच्चों को लगी हुई है भूख, तो अच्छे से चिकन होगा ना, प्रोटीन मिल जाएगी तो पेट भर जाएगा उनका। चिकन भी अच्छे से सारा मैंने लगा दिया उसके ऊपर, साथ में प्याज हैं, ग्रीन बेल पेपर है और रेड बेल पेपर है। मैं भूल गई थी मेरे पास तो मशरूम्स भी पड़ी हुई हैं बट वो मैंने नहीं डाली हैं। इसके ऊपर आप कॉर्न डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है वो आप डाल सकते हैं। और अगर चिकन नहीं अवेलेबल तो मैंने आपको बताया हुआ कि अंडा जो है ना उसको स्क्रैम्बल करके नमक और काली मिर्च डाल के तो वो भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो बच्चों को वो भी बड़ा मज़े का लगेगा। इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह चीज़ डाल दिया मोज़रेला और इसको मैंने फिर अच्छे से इस तरह प्रेस कर दिया ताकि उतर ना जाए सारी कोटिंग, और फिर मैंने मतलब टॉपिंग, और इसके ऊपर भी मैंने लगा दिए ये ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स।
दैट्स इट, ये पिज्ज़ा रेडी हो गया और 220 डिग्रीज पे मैंने प्री हीट होने के लिए अवन को रखा हुआ है अपर लोअर रॉड पे, और बस इतना सा टाइम होगा कि ये नीचे से हीट हो जाएगा ऊपर से हीट हो जाएगा तो बस डन हो जाएगा ना, मेल्ट हो जाएगा। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि किनारे जो है ना नहीं तो इसके बहुत ज़्यादा फिर हार्ड भी होने का डर होगा, तो मैंने इसलिए इसको जल्दी जल्दी जितनी देर तक मेल्ट होगा उतनी देर तक डन हो जाएगा। Are you hurting anything? Yes, but this is not for you. What is this? This is for my kid. You're not my kid. You're my husband. This is for little babies, right, Mishu? I cannot make anything for your father. This is not a kid. See, who's the kid here? You or him? Baby, me too. Huh? Baby, me too. Oh, okay, you can eat. शहजाद को तो मैंने मायूस कर दिया था क्योंकि मुझे शहजाद को दोनों को भूख लगी हुई थी, तो आज मैं भी अपना डिनर स्किप नहीं करूँगी, मैं भी खाऊँगी लेकिन मसूर की दाल। तो ये देखें जी हमारे पिज़्ज़ा की फाइनल लुक, बच्चे तो बहुत एक्साइटेड हो गए थे और बहुत जल्दी बन जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप चाहें तो आप ये चिकन बना के ना तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो जब बनाना हो बच्चों के लिए पिज़्ज़ा तो जल्दी से चिकन निकाला और उनको ये चीज़ें असेंबल करके दे दी। हाँ ये पिज़्ज़ा सॉस जो है कि आप ज़्यादा देर आई थिंक नहीं रख सकेंगे क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट है इसमें, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि 3-4 दिन से ज़्यादा आप इसे फ्रिज में रखें, बना के फटाफट बनाएं और आप इसको लगा दें पिज़्ज़ा सॉस को। ये देखिए फाइनल लुक कितनी मज़ेदार है और ज़रूर ट्राई करें और थैंक यू सो मच मेरी रेसिपीज़ को शेयर करने के लिए, वीडियोस को शेयर लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत होती है, मेरी इतनी मेहनत का आप ये सिला देते हैं मेरे लिए बहुत मैटर करता है, थैंक यू। इसका वाकई में फॉर्च से ज्यादा मजा आएगा, मैं ऑनेस्टली ब्रेड है ना वो हाँ। हाथ में पकड़ो इसलिए पो जाएगा सारा कुछ, फॉर्च से ज्यादा मजा आएगा और ऊपर से चिकन भी बहुत मुझे मतलब उसके ना सही आपने कोठी डाली है, बिल्कुल पिज्जा आपके टेबल है। थैंक यू मिशी, हाँ जी कैसा है मिशी, मीठा है कि नहीं है? बहुत सारा मीठा है, और ये वाकई में मतलब जो रियल पिज्जा होना चाहिए। थैंक यू, ओके ओके योर टर्न। पिज्जा सॉस नहीं, दिस इज नाइस, केचप ये अच्छी रिप्लेसमेंट है पिज्जा सॉस के बजाय, पिज्जा सॉस और दो के बजाय ये ब्रेड भी अच्छी है। ये रिव्यू सुन के मुझे हंसी आ रही थी, मेरे तो बच्चे भी सही फूड क्रिटिक बन चुके हैं, मिशारी जो है ना उसको देख के पता चल जाता है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और तिहामी जो है उसको टेस्ट करके पता चल गया कि इसके अंदर केचप है, तो माशाल्लाह वो सही कसम से मज़े के क्रिटिक बन चुके हैं। तो खैर मैं आ गई थी किचन में जब तक बच्चे अपना डिनर इंजॉय कर रहे थे, मैं आटा गूंद रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे तो फ्राइडे था और ज़ाहिर है बच्चों को स्कूल तो जाना है और आटा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा चलो अभी गूंद देते हैं क्योंकि ना मैं आज थोड़ा सा ही गूंद रही, हमारा प्लान बन रहा है वीकेंड पे हमने स्टेकेशन के लिए जाना है, तो फिर एक दिन पहले मतलब आटा ख़त्म हो जाए उतना सही मैं बस बनाऊँ। बहरहाल इसको मैंने मिक्स करके रख दिया और बाकी गूंद लूँगी थोड़ी देर के बाद 5-10 मिनट में। ये मुझे मशवरा आपके कमेंट से ही मिला था, जहाँ आप कहते हैं आपसे बहुत कुछ सीखते हैं वहाँ मैं भी आपसे सीखती हूँ, ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो बहरहाल यहाँ पर ये जो है ना इनको मैं बर्तनों को डिश वॉशर में रख दूँगी बगैर सोप के, सादे पानी से बस इनको हंगाल रही हूँ ताकि जो चीज़ें ऊपर लगी में वो उतर जाए, तो फिर सिर्फ आधे घंटे का डिश वॉशर का साइकिल चलाती हूँ, 2-2 घंटे नहीं चलाना पड़ता, फट से जो है ना बर्तन धुल जाते हैं, तो बस यही काम कर लूँगी, आखिरी आखिरी किचन समेट लूँगी और ताकि सुकून से जाके बैठ जाऊँ, और सुबह स्कूल भी है, आज ज़रा लेट हो गया वरना 8 बजे तक बच्चों को हम सुला देते हैं, लेकिन जब चूँकि आज छुट्टी थी तो सारा काम लेट होता चला गया क्योंकि उठे जो 10 बजे थे तो बस लेट हो गया। खैर माशाल्लाह से तिहामी ने 3 ब्रेड के स्लाइसिस खा लिए पिज्ज़ा के और मिशारी ने 1 खाया, और उसके बाद फिर क्योंकि मिशारी
जो एक दफ़ा आप सेवन अप ले लेता ना उसको हर थोड़ी देर बाद एक एक घूंट पीता रहता है, तो मुझे पता है कि वो चीज़ जो है ना वो उसको सही से खाना नहीं खाने दे रही है। तो अब मुझे ये चीज़ जो है बंद करनी पड़ेगी, मुझे रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी कि जब पेप्सी या सेवन अप आती है घर में उसी वक्त जितनी पीनी है पियो, बाकी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ मैं ख़त्म करूँ, क्योंकि मदर्स है ना समझ आ जाती है कि बच्चे की क्या रीज़न है खाना ना खाने की। अच्छा खैर, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ ही सोचनी पड़ती है बच्चों को बच्चों से रिलेटेड। अल्लाह ताला जिनके पास औलाद नहीं, अल्लाह ताला उन सबको भी औलाद दें, और ये सब जो है ना हलचल अल्लाह ताला उनको भी देखने नसीब करें। आमीन। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।